क्या वो भाई गिरगिट क्या दिखाया मुझे, और देखो उसकी पूंछ तो पकड़ लूंगा भाई सच्ची में, सच्ची अगर उसको में। पकड़ लिया और उसने काट लिया तो हाथ पे चुप धीरे बोलो भाई आराम से आराम। रुक जा रुक, एक बार मुझे हाथ लगा दे, पकड़ लूँ उसको। भाई, वो भाग जाएगा और रुक पकड़ेगा नहीं, कभी उधर चला गया तो कबूतर के पास। चल चल तू ही पकड़। ये देखिए दोस्तों गिरगिट पकड़ रहा है, ये पकड़ लिया पकड़ लिया। ओ भाई पकड़ लिया गिरगिट पकड़ लिया, पकड़ खींच 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 नीचे खींच। ओए ओए छोड़ 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 छोड़, गिरगिट नहीं है गिरगिट नहीं है। ओए 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 ओ भाई, ओ भाई सांप है सांप, ये देखिए ओ भाई सांप। ये दोस्तों हमारे फार्म हाउस पर सांप आ गया है। सोच रहा हूँ कि हमें पत्थर लेके सांप को मार देना चाहिए। क्यों अरे नहीं क्या? यार, नहीं भाई नहीं नहीं मैं तो नहीं पत्थर नहीं लेके अरे मार दूँ। नहीं भाई अरे नहीं नहीं भाई, नहीं मारना सांप को, नहीं सांप आ रहे, ऐसा छोड़ मत करो हट भाई। हट हट आहा हट नहीं हट। भाई, दोस्तों अभी शाम का वक्त हो रहा है और हमारी असील मुर्गियाँ और जो यस्सू की मुर्गियाँ हैं भाई यहाँ पर घूम रही है, और मुझे लगता है इन्होंने इनके साथ दोस्ती लगा ली है। देखिए कितने ज़्यादा मस्त लग रहे हो साथ में घूमने में। पहले झगड़ा रही थी आपस में, ये यस्सू की जो मुर्गियाँ इसको मार रही थी, पर अब नहीं मार रही। देखिए ये दोनों हैं और ये दोनों हैं, वो देखिए वो मुर्गी कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, बस थोड़े टाइम में अंडा ही देने वाली है। और ये देखिए हमारी तो अभी छोटी छोटी बच्ची हैं, तो ये कब तक अंडा देगी यार? और इनके लिए मुझे मुर्गा लाना चाहिए कि नहीं आ रहे, थोड़ा सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि इनके असली थोड़ा मुर्गा प्योर में ले आएंगे तो बच्चे भाई प्योर में मिल सकते हैं। और वहाँ पर देखिए एक गाय चल रही है, पता नहीं किसकी है। मुझे दोस्तों ऐसी ही गाय लेनी है भाई, वाइट कलर में कितनी ज़्यादा मस्त लगती है, इसको सजाएंगे कितनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्यों हाँ भाई, वाइट कलर की पर गाय? यार ये है किसका? किसी के भी हो दोस्तों, अगर किसी दिन मूड हुआ ना तो इसको पकड़ ही लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने इस बार दवाई नहीं छिटाई भाई, क्योंकि छिटवाने से कुछ मतलब ही नहीं था। आराम से देखिए इधर दवाई छिटी हुई है और इधर मेरे इधर नहीं है। तो भाई यहाँ भी दवाई छिटवा दो ना, तो ये भी एक जैसा हो जाएगा अपना। नहीं भाई जैसा आप कह रहे थे, आपने मुर्गियाँ कबूतर पंछी कोई जानवर खा ले, यहाँ खुला इलाका है, मर भी सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मेरी मुर्गियाँ जो मरी थी वो दवाई खाने से मरी थी। तो चलो ये सीन तो बाद में देखेंगे, अंदर देखते हैं अंदर का क्या सीन चल रहा है। देखिए भाई इनका पानी का खुड्डा पूरा भरा गया है। और दोस्तों जब भी पानी आता है तो मुझे एक बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि हमारे जितने भी कबूतर है सब ऑटोमेटिक अंदर आ जाता है, तो ये बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इनकी। जब पानी आता है तब भी मुझे लेट नहीं कर, दरवाजा अटका ओ दे। भाई क्या उजाला आ रहा है वहां से, हाँ ये देख क्या फोटो आ रहा है तेरा, इधर उजाले में से तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आ रहा है। वाओ। तो देखिए भाई ये यहाँ से पूरा वहाँ तक, और ये यहाँ पर फार्म हाउस में कितनी ज़्यादा कीचड़ हो चुकी है। अब हमारे रेबिट दोस्तों इसके अंदर फिक्स रहने लग गए, रेबिट के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा कहाँ लग रहा है। है, दोनों मेल है इसके अंदर, अब मेल को एक बार हटाएंगे। कहाँ है भाई? नीचे है नीचे, इतनी ऊपर कहाँ से आ जाएंगे भाई, थोड़ा दिमाग से तो सोच लो। और अच्छा दोस्तों हमारे सिर्फ ये वाला जो है इसकी जोड़नी है, और ये देखिए बच्चा किस तरीके से कर रहा है, देखते हैं इसको इसके नर ने भाई फीड कराई भी है कि नहीं। ठीक है दोस्तों इसको नर ने थोड़ी कम फीड कराई है, पर बच्चे इसके लिए तीन, चलेगी। एक बच्चा एक्सपायर हो गया। और और हाँ यहाँ पर देखिए भाई दोस्तों ये जो बाद वाला बच्चा है ये ज़्यादा इससे डबल हो चुका है साइज, देखिए आप इसके। ये दोनों एक ही है क्या भाई? नहीं ये जो यहाँ पे छोटा वाला था ना वो एक्सपायर हो गया, तो यहाँ का एक बच्चा उठाकर यहाँ पे रख गया है। ओ, जब भी मैं सोचता हूँ कि यार ये एक इतना बड़ा और एक छोटा क्यों है। और दोस्तों देखिए हमारे कबूतर के नीचे तीन अंडे रखे हुए थे, तो ये अपने आराम से तीन अंडे के ऊपर बिठा हुआ, और ये देखिए किस तरीके से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और तीन अंडे सभी गर्म है, ये वाला अंडा थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तो अभी मैं इनकी करूँगा केडलिंग। अगर ये वाला अंडा अनफेटल होगा, मतलब इसमें अगर बच्चा नहीं बन रहा होगा, तो इसको मैं फेंक दूंगा। क्योंकि दोस्तों देखिए अंडा कितना ज़्यादा बड़ा है, हमारे कबूतर के दो अंडे और ये एक अंडा, इतना बड़ा ही है। तो अगर ये इसके चक्कर में हमारे कबूतर के बच्चे नहीं निकले तो भाई काफ़ी ज़्यादा अफसोस होगा। और दोस्तों भाई गुलाबी इसका वाली एक और मादी, कबूतर कहाँ है? मादी इसकी मादी यहाँ ऊपर बैठी हुई, ये देखो ये फर्स्ट नंबर पर। तो दोस्तों हमारी जो गुलांटी वाली मादी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से गुलांटी खाती है, इसकी गुलांटी की वीडियो में बना नहीं पाता हूँ, लेकिन जब भी बनाता हूँ ना, मतलब जब भी बनाने की कोशिश करता हूँ तब खाती नहीं है, और जब नहीं बनाता हूँ तब खाती है। और ये वाली मादी, ये वाली और ये वाली और ये वाली, दोस्तों आज इतने ज़्यादा ऊपर उठ तक चले गए थे, मैं तो भाई घबरा गया था, काफ़ी ज़्यादा दूर तक चले गए थे, मतलब दिख ही नहीं रहे थे कि क्या हो रहा था भाई, इतने दूर तक चले गए थे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अभी यहाँ पर देखिए नौ कबूतर हैं, ये आठ और मैं ये सॉरी ये सात, एक आठ और एक वो नौ, एक कबूतर हमारा भारत है तो अभी उसको पकड़ लेंगे, और हमारी असील मुर्गियाँ हैं उनको पकड़ लेंगे। तो ये दोस्तों मुझे यार हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये वाली जो बड़ा वाला नर है और ये फुल पामोच मादी है, ये कब जोड़ लगाएंगे और इनकी जोड़ कैसे लगानी है? अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये देखिए भाई हमेशा की तरह कबूतर को पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भाई मैंने तो सिर्फ ऐसे हाथ ऊपर करा था। और इसको दोस्तों उस दिन मैंने ऑप्शन दिया था कबूतर पकड़ने का, पर ये उस टाइम पकड़ नहीं पाया, अब ये कबूतर को छेड़ रहा है। और क्या हो मुझे लगता है दोस्तों इसको कुछ अलग सी दिखे, देखते हैं क्या भाई क्या। गिरगिट दिखाया मुझे, और देखो उसकी पूंछ दोस्तों यहाँ पर देखिए गिरगिट आ चुका है, पकड़ लेगा तो इसको पकड़ लूंगा भाई सच्ची में, सच्ची अगर में। उसको पकड़ लिया और उसने काट लिया तो हाथ पे। चुप धीरे बोलो भाई, मेरी बात सुन 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 सुन, वो तो नहीं है गोइरा मोनिटर लेजार्ट, वो भी हो सकता है।
नहीं भाई वो कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, ये गिरगिट की पूजा मुझे पता है आराम से आराम, रुक जाओ एक बार, मुझे हाथ लगा दे, पकड़ लो इसको, रुक भाई, वो भाग जाएगा और पकड़ेगा रुक, नहीं, कभी उधर चला गया तो कबूतर के पास। चल चल तू ही पकड़। ये देखिए दोस्तों गिरगिट पकड़ रहा है, ये पकड़ लिया पकड़ लिया, ओ भाई पकड़ लिया गिरगिट पकड़ लिया, पकड़ खींच 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 नीचे खींच, ओए ओए छोड़ 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 छोड़, गिरगिट नहीं है गिरगिट नहीं है, ओए ओए ओ भाई, ओ भाई सांप है सांप, ये देखिए ओ भाई सांप, ये देखो दोस्तों हमारे फार्म हाउस पर सांप आ गया है, इसने गिरगिट समझ के सांप को हाथ लगा लिया, अभी दो जो सांप काट लेता। ये देखिए भाई साहब इसकी पूंछ देखिए, और एक बार मोबाइल ऊपर करके देखता हूँ, देखिए भाई कितना बड़ ज्यादा बड़ा सांप है दोस्तों ये, और अभी अच्छा हुआ मैंने देख लिया, इसने जैसे ही थोड़ी उसकी आधी पूंछ खींची वैसे दोस्तों उसकी और मुझे दिखी, मैंने क्या भार गिरगिट की पूंछ इतनी ज्यादा लंबी तो नहीं रहती, आया कहाँ से? मुझे लगता है दोस्तों ये तान से आया, मतलब ये इस वाले छेद में से आया होगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर ही चढ़ने का रास्ता है इधर से। तभी तभी ये कबूतर सारे इधर के इधर बैठे, देखो कैसे देख रहा है उसे। हाँ भाई ये भी होता है, देखिए कबूतर हमारे सारे कभी भी इतने ज्यादा पास में कभी भी नहीं आए हैं, और ये इतने ज्यादा पास में कैसे आए मुझे कुछ समझ में नहीं आ और भाई रहा। ये आया कैसे अंदर? अब दोस्तों यार देखिए, ओ भाई हमारी मादी जा रही है, ओ जा 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 दोस्तों, पता नहीं और यार भाई अब अभी सब पकड़ेंगे कैसे? मैं तो दोस्तों सोच रहा हूँ कि इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं भाई, ये कुछ भी कर सकता है, अगर इसको हमने पकड़ने की कोशिश करी तो काट भी हो गया, तेरे पहचान में कोई सांप पकड़ने वाला है देखो भाई सांप पकड़ने का तो मैं भी सांप पकड़ सकता हूँ, पकड़ लेता तू मैं पकड़ लेता हूँ सांप सच्ची। सच्ची, पर आज मेरी इच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। दोस्तों यार इसको सांप पकड़ सकता है और सांप इसको पकड़ना नहीं, पता नहीं इसका मूड क्या चल रहा है, और भाई ये इतनी देर से हिल नहीं रहा है, ये मर तो नहीं गया? ये मरा हुआ नहीं है दोस्तों, सांप की एक आदत रहती है जब भी वो हमला करने के लिए थोड़ी बहुत अपनी जो क्या बोलते हैं ताकत बचाता है, भाई आज तो मैं नहीं पकड़ सकता, पर मेरी पहचान में एक है जो सांप पकड़ सकता तो है। जाना उसको बुला के ले, जा 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 हाँ जल्दी। हाँ भाई मैं जाता हूँ जल्दी से उसको बुला कर, और तुम जब तक नहीं ऐसा कहीं जाए ना। अरे भाई साहब यार दोस्तों मुझे लग रहा है डर, और ये मुझे बोल के शाम को मुझे देखना है कि यहाँ से कहीं जाए नहीं, और ये देखिए अभी भी जैसा था वैसा ही है, पता नहीं यार ये क्या हो रहा है इसको। दोस्तों टिल्लू चला गया है बाहर, और इस वाले सांप अरे ने देखे भाई ये जल्दी आ यार जल्दी आ, ये भाई इसने इसने अपनी पूंछ ऊपर कर ली यार, मुझे डर लग रहा ये है, तो पता नहीं जिंदा है। ये जिंदा है, पता नहीं कहाँ जाने कर रहा कोशिश, भाई मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है यार दोस्तों, ये हमारे रेबिट्स को और हमारे देखिए और भाई ये कबूतर गड़बड़ हो गई है। कबूतर के बच्चे, और ये देखिए यहाँ पे अंडे भी हैं, तो इनको इसे बंद करके जाना पड़ेगा, इस वाले छेद से अंदर नहीं चल जाओ यार, मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है दोस्तों, हमारे रेबिट भी यहाँ पे नीचे घूमते हैं, देखिए हमारे रेबिट कितने अच्छे तरीके से घास खा रहा है बेचारा, इसको तो कुछ पता ही नहीं दोस्तों, इसके लिए आज यहाँ पे घास लाया था इन्होंने, ये भाई वाली ये घास नहीं खी। दिक्कत हो चुकी है। जल्दी बता यार तेरा पहचान वाला कहाँ पे गया, जल्दी बोल, अरे भाई वो बहुत दूर गया हुआ है सांप पकड़ने के लिए, तो वो अब आएगा 1-2 दिन में। एक दो दिन में तो दोस्तों ये हमारे तो भाई कबूतरों वही को तो। कबूतर पंछी को नुकसान भी सकता है, मुझे पता नहीं यार दोस्तों क्या हो रहा है, अरे पर एक काम करते मैं तो हैं यहाँ से यार। भाग निकल, अरे भाई जल्दी बोल सुनो जल्दी सुनो बोल ना, बोल ज्यादा बोल। चिल्ला चोट मत कर, वरना ये वो हो जाएगा तो गुस्सा हो जाएगा ये। एक काम करते हैं इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, ताकि मेरे यहाँ पे भी है ना, एक बार ऐसा हुआ था कि सांप आ गया था, तो मेरी असील मुर्गी जो है ना उसने इसे काट के ने खा लिया था। सांप को हाँ जिंदे, जिंदे सांप को मार दिया था उसने। दोस्तों ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो देसी मुर्गा था उसने भी एक बार सांप बड़ा वाला जो तो एक पिंक काम कोबरा करते ना था अपन, उसको मार लिया था, अपन जल्दी एक काम करते हैं, असील को जल्दी जल्दी अंदर ले आते हैं, कभी हो सकता है कि ये असील इसे मार दे। दोस्तों मेरे मन में तो ये आ रहा है कि भाई असील मुर्गी को भी सांप काट सकता है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमें पत्थर लेके सांप को मार देना चाहिए, क्यों अरे क्या नहीं यार नहीं भाई नहीं नहीं मैं तो नहीं पत्थर नहीं लेके मार अरे दे, नहीं भाई अरे नहीं भाई नहीं नहीं मारना सांप को, नहीं सांप, अरे ऐसा छोड़ मत करो हट भाई। हट हट हाँ हट हाँ हट, भाई ऐसा मत करो। आज तो मैं अरे मार दूंगा नहीं इसको, भाई आज तो अरे मैं भाई मार भाई दूंगा, अरे भाई रुक जाओ ना यार भाई, मैं तेरे को समझा रहा हूँ ना, मत मारना यार भाई, चल ठीक बेटा ये फेंक है पत्थर फेंक। ठीक है ठीक, मेरी बात सुन, भाई सांप तो देख मारना तू नहीं देख ऐसे। ओ भाई देख यहाँ से सांप था वो गायब हो गया, वो काम आया भाई, गायब हो गया भाई ऊपर चला गया ऊपर दोस्तों, देखना पड़ेगा अब मुझे तो यार भाई, काफी ज्यादा डर लग रहा है, हमारे कबूतर उधर देखे उधर जा भी नहीं सकते। कबूतर हमारे ऊपर बैठते हैं, और ये पता नहीं यार कबूतर को खा भी सकता है मार सकता है डस सकता है, मुझे दोस्तों काफी ज्यादा यार गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर, भाई मुझे मारने देना सांप को, मैं पावड़ा नहीं पावड़ा भाई है भाई पावड़ी नहीं क्या मारना यार सांप इस को, वाली थोड़ी मार नहीं मुझे नहीं नहीं मारना, भाई सांप को नहीं मारना, तू रिलैक्स हो जा, मेरी बात सुन, अपन मुर्गियों को अंदर कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि कभी ये सांप को खा जाएगी वो, तो काम ही खत्म हो जाएगा ना। दोस्तों यार ये बात तो इसके सही लग रही है मुझे, तब ये वाली खिड़की खोलता हूँ, हमारे जो कबूतर है उसको अंदर कर देते हैं और इन वाली मुर्गियों को अंदर कर देते हैं, भाई इधर मत खड़ा रहे, कभी तेरा ऊपर आ गया भाई तो। बात तो उसकी। तो दोस्तों आज के लोग को करते हैं यहीं पे खत्म, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का लोग काफी अच्छा लगा, और आप अगर आपको पता हो कि भाई सांप को किस तरीके से पकड़ते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, ये वाला सांप तो यार काफी ज्यादा बड़ा है, और देखिए बिल्कुल एक्टिव सांप है, पहले इसकी पूछ लटक रही थी फिर ऊपर चला गया, काफी ज्यादा डर लग रहा होगा, तो दोस्तों भगवान की
इसके पर, इसके ऊपर कृपा थी, नहीं तो आज तो इसका गेम ही हो जाना था। ओ भाई पर मुझे ऐसा ही लगा कि यार गिरगिट है वो, तो ऊपर गिरगिट नहीं हो तो सांप निकला। तो दोस्तों मिलते हैं इस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और इस वाले सांप का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।